विशेष अवसर है, आए हैं, इन्हीं के कलम से हम लोगों का वेतन पास होता है। और हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो उत्तीर्ण होते हैं उनको आगे का क्या रास्ता तय करना है, किस लाइन को पकड़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं, उस बारे में आप लोगों को सचेत करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं। मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त शिक्षकों की तरफ से, छात्रों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि एक 60 नोटिस पर ये कार्यक्रम जो है के लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया गया। और इस विद्यालय प्रांगण में जो आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि भी बताया गया कि आगे बोर्ड की परीक्षा है और दूसरी कुछ करियर भविष्योन्मुखी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग निश्चिंतता के साथ बैठिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों से इसके बारे में पूरा परीक्षा के रूप में कुछ चीजें पूछी जाएंगी। आप लोग मन से जो है बातों को सुनिए और चीजों को अपनाने का प्रयास कीजिए। हमारी टीम भी साथ में होती है, रिसर्च करती है, हमने अपने जीवन में जो पढ़ाई किया है और जो हाल फिलहाल में चीजें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ इस उद्देश्य से साझा किया जा रहा है कि फ्यूचर में आप लोग आगे चल करके इसे अपने जीवन में अपनाए ताकि जो गलतियां पूर्व के लोगों ने किया है वो आप लोग न करें, कम समय में अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तो दो तीन बिंदु है, जैसा कि हम लोग थोड़ा सा बोर्ड की परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा का नाम जैसे मन में जब आता है तो थोड़ा सा डर और भय का माहौल होता है। जैसा कि अभी चर्चा करने के दौरान ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि जो बच्चे भी इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी कोविड-19 के कारण से जो है हाई स्कूल के बोर्ड का परीक्षा नहीं दे पाए, इसलिए एकदम हाई स्कूल और इंटर दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए बोर्ड की परीक्षा एकदम नई बात है। लेकिन इसके साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, इस समय के सदुपयोग करने के बारे में सोचिए, ना कि बोर्ड परीक्षा के दबाव को लेकर। अब इसमें आपको तैयार करना है अपने पाठ्यक्रम को, और पाठ्यक्रम को तैयार करना एक बात होता है और पाठ्यक्रम को उत्तर पुस्तिका पर लिखना दूसरी बात। तो आप लोगों को इस तरीके की स्ट्रेटजी और रणनीति अपनानी है कि पाठ्यक्रम की तैयारी के साथ साथ उसे आप कैसे उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे इसके बारे में भी तैयारी करना, क्योंकि जो आप लिखते हैं उसी पे आपको नंबर मिलते हैं। आपकी तैयारी कितनी है इसके आधार पर केवल नंबर नहीं मिलते। तो आपको बीच बीच में जैसे संडे का समय टाइम है तो उस दौरान आप ये कर सकते हैं कि पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हुए उन प्रश्न पत्रों को उसी तरीके से जैसे आप परीक्षा में जो है 3 घंटे में लिखते हैं उसी तरीके से हर संडे को आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप लिखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे और ये देखेंगे कि हम कितनी चीजें लिख पाते हैं और कितनी चीजों में हमको समस्या आती है। और आप एकदम निर्भीक होकर के लिखिए, इस बात को सोचे हुए कि हम क्या नहीं लिख पा रहे हैं इसको आप ही मत बोलिए। निश्चित तौर पर जब पहला प्रश्न पत्र आप हल करेंगे तो उसमें बहुत चीजों की त्रुटियां होंगी, समय प्रबंधन की समस्या होगी, वर्तनी की अशुद्धियां होंगी, ये सारी चीजें होंगी और ये सबके साथ होती हैं, कोई एक इंडिविजुअल कैंडिडेट या स्टूडेंट के साथ नहीं होती है, ये सभी लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जब आप 10-12 पेपर आप हल कर लेंगे तो इससे आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे और वो त्रुटियां जो परीक्षा में हो सकती थी वो अब यहाँ पे हो जाएंगे और इसे आपको सुधारने का मौका मिल जाएगा।
और इस आधार पर आप समय का प्रबंधन कर पाएंगे। कई बार ये चीजें सामने आती है कि मेरा डेढ़ प्रश्न छूट गया, दो प्रश्न छूट गया, ये गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि जब आप बोर्ड में गलती करते हैं तो फिर सुधारने का मौका नहीं मिलता। और आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन की परीक्षा आप दो तीन बार दे सकते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा एक और केवल एक बार आपको देने को मिलेगा। इसलिए आप अपने मन को एकदम मजबूत कर लीजिए, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। आगे आपकी उपलब्धियां, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी प्रबल दावेदारी, वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उपलब्धियों के साथ दी जाती है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे स्थिति में यहाँ नहीं होता है, वो बहुत अच्छा वहां भी नहीं कर पाता है या करने में उसको दिक्कतें आती हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं और यहाँ पर हम अपनी पूरी तैयारी के साथ, जैसे युद्ध होता है शत्रु से लड़ने के लिए पूरी सेना तैयारी के साथ जाती है, उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन डर और भय को अपने मन पे हावी नहीं होने देना है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना शेड्यूल ये आप निश्चित कर लीजिए कि जो समय बचा हुआ है उस समय में हम चीजों को पढ़ ले जाएंगे, जो पाठ्यक्रम, क्योंकि हाई स्कूल हो या इंटर दोनों के अपने पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़िए और उसको लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। ये मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है इसको जरूर कीजिए और आप परीक्षा में देखेंगे कि इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। तो क्योंकि जो आप लिखेंगे नंबर उसी का मिलेगा। कई बार ऐसे होती है चीजें कि लोग ये कहते हैं कि मुझे पता तो था परंतु मैं लिख नहीं पाया, या पता नहीं कैसे छूट गई, या समय कम पड़ गया, ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ, ये सभी के साथ होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति करके ही धीरे धीरे सीखता है। तो आपको ये दो काम अवश्य करने हैं कि जो समय बचा है उसमें एक सिस्टम, एक अपना फॉर्मेट बना करके कि हमें कब कितने दिन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और उसके बाद संडे का समय एक लिखने वाला आप निश्चित कर लीजिए, उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। अब आप अपने जीवन में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट 17 से 18 वर्ष की आयु में हैं, इसी तरीके से 16 से 17 वर्ष की आयु में हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इतनी जीवन का उम्र अगर बीत चुका है तो बस आपके लिए 2.5 से 3 महीना आपकी इस पूरे आयु वर्ग को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को 3 से 4 महीना बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और मैं ये समझता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो हो सकता है उनके पास ग्रामीण क्षेत्र में गांव घर के भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। यही आपकी जिंदगी की महत्वपूर्ण परीक्षा है, और जब आप इस परीक्षा में सफल होंगे तब जीवन के आगे की परीक्षाएं आप लोगों के लिए सरल प्रतीत होंगी जो है। और जब आप ऐसे संघर्ष कर करके वहां पर पहुंचेंगे तो उस समस्या से निपटने की आपके अंदर क्षमता होगी, आप डरेंगे नहीं। बहुत चीजें ऐसी नहीं आती है, लोग गांव के क्षेत्र में जैसे चाहे परिस्थिति बस चाहे किसी कारण से व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती तो कहता हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप जब इस तरीके से संघर्ष करके पहुंचेंगे तो आप इस तरीके के प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये चीजें हो सकती है कि सीखने के लिए वहां भी कुछ होगी, लेकिन आप उससे लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर पाएंगे।